अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये हमारा बिल आया था पिछले महीने 23,000 का, जो हमने पे किया है। सही है ना, ये पे किया और हम बाकायदगी से बिल पे करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बाकायदगी से हम ये बिल पे करते हैं। हाँ, वक्त पे देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि जो इसमें अलग से ये लोग चार्जेस लगा के देते हैं ना, वो लिखते नहीं हैं, सिर्फ करंट बिल का अमाउंट लिखा हुआ है इधर। ठीक है, वो पैसे पता नहीं कहाँ लिखे हैं। जब हम इसमें जो इन्होंने एडजस्टमेंट करी होती है, एवेन्यू एडजस्टमेंट और वगैरह वगैरह, जब ये उसका सारा बिल दे रहे हैं, तो ये देखें, ये 23,000 रुपये आया है, लेकिन जब हमने पे किया हुआ है वो 18,000 रुपये लिखा हुआ है इधर, 18,302 रुपये, हालांकि हमने 23,000 रुपये पे करें। ठीक है, ये तो हो गया पिछले महीने का बिल। ये आया था 679 यूनिट का बिल, ये हो गया 679 यूनिट का बिल 23,000 का। ठीक है, हमने पे कर दिया। अब इस महीने ये बिल आया था जुलाई 8 जुलाई 2022 में। अब ये इस महीने का बिल है जो 8 अगस्त 2022 को आया है, ये आया है 40,000 का बिल। ठीक है, ये करंट बिल है 30,859 रुपये का, लेकिन उन्होंने पत्नी क्या क्या चार्जेस लगाकर ये 40,860 रुपये का कर दिया, 10,000 इसके चार्जेस लगा दिए। अच्छा, पिछले महीने हमारे पास जो बिल आया था वो 679 यूनिट का था, जो कि 23,000 रुपये का था, ये रहा। ठीक है, और पे हुआ हुआ ये। ठीक है, और अब इन्होंने भेजा है 40,860 रुपये का बिल। ठीक है, और ये बिल है 728 यूनिट का, ये पिछले महीने का। ये देखें, पिछले महीने का लिखा हुआ 779 यूनिट, और इस महीने हमारे जले हैं 728 यूनिट। सिर्फ 49 यूनिट बढ़ने पर इन्होंने 18,000 रुपये अलावा चार्जेस लगा दिए हैं, 18,000 रुपये बढ़ाकर इन्होंने बिल भेजा। क्या 49 यूनिट 18,000 रुपये के हैं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये है कि 49 यूनिट बढ़ने से 18,000 रुपये बढ़ गए, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? कराची वाले सारे सरमायादार नहीं हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, सफ़ेद पोश लोग भी हैं, जो तीन वक्त नहीं खाते, दो वक्त खाते हैं या एक वक्त खाते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। हम अंदरून जिनसे आके भीख मांग के गुजारा करने वाले लोग नहीं हैं भाई, नौकरी पेशा लोग हैं। अपनी हमारी तो सैलरी दिहाड़ी भी 1,000 रुपये नहीं बनती, आपने 40,000 का बिल भेज दिया भाई, कुछ खुदा का खौफ करो, समझे ना। हम क्या ख़ुदकुशी कर लें या बच्चों को कत्ल कर दें, क्या करना चाह रहे हो, कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हो, क्यों धांधली मचाई हुई है के इलेक्ट्रिक ने भाई? लोगों को बताओ, शेयर करो, सब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि के इलेक्ट्रिक ने कैसी धांधली मचाई हुई है। और जितने भी हमारी कराची की जो अपने आप को स्टेक होल्डर और ये पीपल्स पार्टी और MKM और ये जमात इस्लामी और दीगर जमातें हैं, इनसे गुजारिश है कि वो इसके ऊपर खड़े हों और ये आवाम के लिए करें। जाहिर सी बात है, अभी इलेक्शन के लिए, वोट के लिए तो आ जाएंगे, समझे ना, वोट के लिए तो लोगों के आगे सामने आ जाएंगे भाई। ये आवाम के मसले कौन हल कराएगा, ये भी तो आप ही लोग हल कराएंगे ना। तो ठीक है, हम पाबंदी से बिल भर रहे हैं, उसके बावजूद हर महीने भर बढ़ बढ़ के आया जा रहा है बिल, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो जितनी भी कराची की जो पार्टियाँ हैं, जो कराची को ऊपर हुकूमत करना चाहती हैं, क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आवाम के मसाइल को हल करें? दूसरे, ये हमारे पानी का मसला है, पानी का मसला। अबे भाई, सैलाब आ रहे हैं, लोगों को डुबो के मार रहे हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं आ रहा है, लाइनों में पानी नहीं आ रहा है। चाह रहे हैं कि डूब के मर जाएं, लेकिन पीने को नहीं मिले पानी। सही है ना भाई? हाँ, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और पहुँचते पहुँचते हुक्मरानों तक पहुँच जाए, ताकि ये कि शायद कोई इधर है कि ये पत्थर दिल लोग हैं, शायद कि इनका दिल पिघल जाए। ठीक है ना, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको जितना हो सके फैलाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।